मोटे चावल जगदीश, मगर ये चाव समझ लेना। हे नाथ, हे दिनों के दयाला, इन चावलों को देख करके ही मेरे घर की स्थिति का आप पता कर लेना। आपके मित्र के घर में कितनी गरीबी है। आज भगवान कन्हैया के मित्र सुदामा भगवान के महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। द्वारपालों से कहते हैं, जाओ जाकर के कन्हैया को अवगत करा दो कि मैं कांचनपुर से, सुदामा मेरा नाम है और भगवान का कन्हैया का मैं मित्र हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल जाकर के अवगत कराता है। द्वारपाल ने जाकर के अवगत कराया है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने इतने वचन सुने, भगवान दौड़ करके महल के दरवाजे पर आते हैं और जाकर के जब देखा कि सुदामा की इतनी जर्जर काया है, तन के वस्त्र न जाने कितने जगह से फटे हुए थे और सुदामा हाथ में लकड़ी लिए खड़ा हुआ दरवाजे पर कांप रहा था, पैरों की बीमारियां इतनी फटी हुई थी, मानो जाने कितने वर्षों से इसने पैर नहीं धोए हैं और इतना खून उसमें से निकल रहा है। भगवान ने जब इतनी जर्जर दशा अपने मित्र की देखी तो भगवान की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। भगवान कन्हैया आज सुदामा से कहते हैं, भैया कि ऐसे हाल बिहालन से तुम आए तैन के तै दिन खोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। भगवान कन्हैया ने आज अपने मित्र की इतनी जर्जर दशा देखी तो भगवान ने परात में रखे हुए जल को हाथ नहीं लगाया, उससे कई गुना जल अपनी आंखों से बहा दिया है और आंखों के जल से आज भगवान सुदामा के पैरों को धो रहे हैं। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा भगवान के वियोग में रोई है जब भगवान मथुरा चले जाते हैं, उतना आज भगवान कन्हैया अपने मित्र सुदामा के वियोग में रोते हैं। ये समझ लो, भगवान सुदामा को महल में प्रवेश कराते हैं। आओ भैया, बड़े दिनों के बाद आगमन हुआ और जब सुदामा को महल में लाए, इतने सुंदर सुंदर महल सुदामा ने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। सुदामा महल की छटा को यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है और देखा कि भगवान कन्हैया के महल में रानियों की लाइन लगी है। सुदामा जी ने कहा, एक कन्हैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो, जी सब इतनी सारी बैठी हैं, ये सब कौन है? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भैया ये सब तेरी भाभियां हैं। सुदामा कहने लगा, मेरी भाभी हैं? कि हाँ। सुदामा कहने लगे, जय हो कन्हैया तेरी, एक सुशीला के मारे देख ले क्या जर्जर दशा है, वन वन भटकते घूम रहे हैं और जो इतनी सारी। भगवान कहने लगे, देख लो कृपा है। अब सुदामा के मन में लालच सा आ गया। सुदामा कहने लगा, तब तो ठीक है, अगर जाते समय एक एक रुपया भी विदाई में देंगी ना सब भाभियां तो गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान की 16,108 पत्नियां थी। ध्यान दें, भगवान कन्हैया की 16,108 पत्नियां कैसे थी? भौमासुर नामक राक्षस के आंगन में उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था और भगवान कन्हैया की जो दूसरी पत्नी है सतभामा, उनको लेकर के भगवान कन्हैया भौमासुर के आंगन में जाते हैं और जाकर के
भौमासुर का उद्धार करते हैं, वध करते हैं और वहां से वो 16,100 कन्याओं को बंदी ग्रह से छुड़ा कर लाते हैं। अब वो सभी कन्याएं भगवान के चरण पकड़ती हैं। मैं इतने लंबे समय से भौमासुर राक्षस की कैद में हूँ, अब इस दुनिया में मुझे अपनाने वाला कोई नहीं है। तो जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? ये क्या है? वाणी से एक बार भगवान का नाम ले लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? हाँ, तो जब भगवान कन्हैया ने ऐसे वचन सुने तो कहने लगे, चिंता मत करो, जब तुम्हारा कोई नहीं तो हम हैं। तो भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को अपनाया। सुदामा के मन में आज लालच जागृत हो जाता है। अब सुदामा विचार करने लगा, भाभी एक को एक रुपया देंगे तो 16,108 रुपए हो गए, गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान कन्हैया सुदामा से कहते हैं, भैया चलो स्नान कर लो, तुम्हारी बड़ी बुरी दशा है, ये कपड़े फटे हुए, चलो नए वस्त्र धारण करो। स्नान कराते हैं, नए वस्त्र धारण कराते हैं सुदामा जी को, और रुक्मिणी को आदेश देते हैं, जाओ भोजन लेके आओ। रुक्मिणी जी 56 प्रकार के व्यंजन लेकर आती हैं, और जैसे ही आज से पहले सुदामा ने इतने प्रकार के व्यंजन कभी नहीं देखे थे, जैसे ही थाल सामने आया और सुदामा दोनों हाथों से लग गया। अब भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया आराम आराम से खाओ, तुम्हारी भाभियां हंस रही हैं सब। अब सुदामा कहने लगा, कन्हैया चुप कर, जाने कितने दिनों से भोजन नहीं किया, पहले भोजन कर लेने दे, पहले पेट पूजा और फिर काम पूजा। अब रुक्मिणी जी देख करके मुस्कुरा रही हैं, आज बड़ा अद्भुत अतिथि दरवाजे पर आया है, ये पता नहीं कैसा भगवान का मित्र है। सुदामा ने जल्दी से भोजन पान किया। अब भोजन पान कराने के बाद में भगवान कन्हैया पूछते हैं, भैया घर में सब लोग कुशल मंगल तो हैं, भाभी के क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। बोले भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं। अब सुदामा ने मन में विचार किया कि ये 56 प्रकार के इतने सुंदर सुंदर व्यंजन पान करने वाला कन्हैया, और इसके सामने में ये टूटे हुए चावल, वो भी कई प्रकार के चावल हैं, इन चावलों को कैसे निकाल के दे दूं। देखिए उस समय सुदामा के मन में लालच था, आज सुदामा के मन में कपट नहीं है, आज सुदामा के मन में ऐसा संकोच हो रहा है, सुदामा अपने आप में लाचार हो रहा है कि ये चावल मैं कैसे कन्हैया को दिखा दूं। सुदामा कहने लगा, भाभी के पास क्या रखा है? कुछ नहीं दिया है। कन्हैया कहने लगे, रस्सी जल गई पर ऐठ नहीं गई। सुदामा तेरे सब कर्म हो गए पर झूठ बोलने की आदत नहीं गई। बोले भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा जरूर है। बोले नहीं नहीं, भाभी ने कुछ नहीं भेजा है। अब भगवान कन्हैया कहते हैं, लो दाऊ भैया आ गए, सुदामा भैया। तो जैसे ही दाऊ भैया को आते हुए देखा, सुदामा ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा, भैया राम राम। और जैसे ही दाऊ भैया से राम राम कहा, तो बगल में दबी हुई पोटली नीचे गिर जाती है और भगवान कन्हैया ने उस पोटली को अपने हाथ में उठा लिया। जो भी माताएं अपने घर से चावल लेकर आई हैं, वो इधर एक साइड कहीं पे एकत्रित करती जाएं, अर्पण करती जाएं और अपने यथास्थान बैठती जाएं। आइए ध्यान दें।